हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऐसी प्रेम कहानी के बारे में जो कि काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। आपने भी कहीं ना कहीं इंटरनेट पर ये सच्ची घटना तो ज़रूर देखी होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं पक्षी और इंसान की प्रेम कहानी के बारे में। तो आइए जान लेते हैं, यूपी से इंसान और एक पक्षी की दोस्ती का अनोखा मामला सामने आया है। साल 2022 में एक लड़के की इस पक्षी से उस वक्त मुलाकात हुई थी जब वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। लड़के ने जान बचाकर उसके मन में अपने लिए अनोखा प्रेम जगाया। अब इंसान इन दिनों की दोस्ती के चर्चे हो रहे हैं। सारस और आरिफ की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए चर्चा में आई थी। सोशल मीडिया पर आरिफ और सारस की दोस्ती वायरल होने के बाद वन विभाग को ये पता चल गया कि आरिफ के पास एक सारस है। उसके बाद वन विभाग की टीम पहुंची सारस के घर और 21 मार्च 2023 को आरिफ से सारस ले लिया गया। उसके बाद आरिफ काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए। उसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह के न्यूज आने लगे। सारस पहुँचा आरिफ के घर, वन विभाग को मजबूरन छोड़ना पड़ा सारस। आरिफ के पास लौट आया सारस। सारस पक्षी आरिफ के साथ साथ में ही खाना खाता था और सोता था। पत्नी परेशान थी। आरिफ और सारस पक्षी की दोस्ती को लगी बीजेपी की नज़र। आखिर आरिफ को सारस कहाँ मिला था? साल 2022 में एक साल पहले खेतों में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा सारस उन्हें खेतों में मिला था। एक साल से सारस आरिफ के परिवार के साथ रहता था। 30 वर्षीय आरिफ का सच्चा दोस्त बन गया था सारस। साल 2022 में हुई थी दोनों की दोस्ती। सारस की बचाई जान तो हो गई, पक्की दोस्ती ऐसी यारी कहीं ना देखी होगी आपने। दोस्त सारस के जुदा होने पर क्या बोले आरिफ? एक सारस और एक शख्स की वो दोस्ती जिसकी कहानी सुनकर रो पड़े आम लोग। इंसान और पक्षी की ऐसी दोस्ती देख कर दंग रह जाएंगे आप। वायरल सारस को ले गया वन विभाग, रोए आरिफ। आरिफ बोले, याद आ रही है मेरे दोस्त, नींद नहीं आ रहा तुम्हारे बिना। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं आरिफ के बारे में पूरी जानकारी। आरिफ का पूरा नाम मोहम्मद आरिफ है। आरिफ का जन्म उत्तर प्रदेश के अमेठी में हुआ था। आरिफ का जन्म एक किसान फैमिली में हुआ था। अगर दोस्तों हम बात करें आरिफ की रियल एज के बारे में तो अभी वो 30 साल के हो चुके हैं। अगर हम बात करें आरिफ की क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन की तो उन्होंने अपनी पढ़ाई अमेठी से कंप्लीट की है। अगर हम बात करें आरिफ की फैमिली के बारे में तो आरिफ अपनी फैमिली के साथ रहते थे। दोस्तों आरिफ तो एक किसान है, पर उनको ये आइडिया कहाँ से आया कि वो सोशल मीडिया यानी यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोड करें और वहाँ से पैसे भी मिलेंगे। तभी आरिफ ने सोचा, क्यों ना मैं सोशल मीडिया पर यानी यूट्यूब पर वीडियो डालूं। उसके बाद इन्होंने अपना यूट्यूब पर चैनल बनाया। आरिफ ने अपना यूट्यूब चैनल जनवरी मंथ 2023 में बनाया था। उसके बाद इन्होंने अपना पहला वीडियो अपलोड किया था 24 फरवरी 2023 को, एक महीने बाद। और उसके बाद सारस और आरिफ की ये दोस्ती देखकर लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार किया सारस और आरिफ को। और देखते देखते ये वीडियोज़ ऐसे वायरल होने लगी जैसे जंगल में आग। और फिर क्या था, आरिफ सारस की वीडियो बनाते रहे, सोशल मीडिया पर अपलोड करते रहे। फिर क्या था, ये वीडियोस इतनी तेज़ी से वायरल होने लगी जैसे जंगल में आग। दोस्तों उसके बाद वन विभाग को इस सारस के बारे में पता लगा और आ गई टीम सारस को लेने। उसके बाद सारस को ले गई और काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ आरिफ को इस बात को लेकर। सोशल मीडिया पर एक न्यूज आ रही है कि आरिफ के पास एक नोटिस भी आ गया है। ये बात सच या झूठ कमेंट करें। आरिफ के यूट्यूब चैनल का नाम आरिफ गुर्जर सारस का दोस्त है, जिस पर 121,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट है 77 वीडियोस में। लोगों ने आरिफ और सारस की इस दोस्ती पर काफ़ी ज़्यादा प्यार किया और इतना ज़्यादा वायरल कर दिया वीडियोस। और वीडियोस वायरल होने के बाद ये वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि समाजवादी के नेता अखिलेश यादव भी सारस और आरिफ की दोस्ती को देखने आए। फिलहाल सोशल मीडिया पर यह भी अफवाह फैलाई जा रही है कि आरिफ के पास सारस वापस लौट आया है। दरअसल ये न्यूज फेक है और काफ़ी ज़्यादा लोग इनका गलत वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं। उस पर भरोसा ना करें और आरिफ के साथ खड़े रहें और उनको सपोर्ट करें, उनको हौसला दें। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती है इस चैनल पर। अगर आपको आरिफ और सारस की दोस्ती पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको उनकी